ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल आखिर कब तक पर। मोदी की टिकट से लेकर कोहली की विकेट तक, प्यासे रेगिस्तान से लेकर डूबते हिंदुस्तान तक, दशहरा के धमाकों से लेकर दिवाली के पटाखों तक, हर दिन हर पल हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाता है आपका अपना न्यूज चैनल आखिर कब तक। सबसे पहले खबरें सुपर फास्ट। जापान, अमेरिका, अलास्का, फिजी जैसे ऐतिहासिक शहरों में एक ही दिन में 10-10 भूकंपों ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया है। जहां सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, हजारों लोग आज भी लापता हैं। कीनिया की राजधानी नैरोबी में आतंकवादी हमलों के पश्चात सैकड़ों महिलाएं विधवा हो गई और कई बच्चे अनाथ। ऐसी दर्दनाक घटनाएं विश्व के कोने कोने में रोज घट रही। तो क्या ऐसी परिस्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में राम राज्य है, या कहीं ना कहीं रावण आज भी जिंदा है? और हो सकता है, क्यों नहीं, हो सकता है कि राम का मुकुट पहनकर रावण आज हमारे ही बीच में बैठा है। जी हां, आज आखिर कब तक ने वो कर दिखाया है जिसे आज तक कोई नहीं कर पाया। हमने उसे ढूंढ निकाला है जिसे सारी दुनिया मरा हुआ समझती है। आइए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह पर जो ना धरती के नीचे है ना अंबर के उस पार। गौर से देखिए अपने टीवी स्क्रीन पर स्वयं रावण की दरबार। बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। सनी देव दास मेरा, दशानंद रावण हूँ मैं। काल कुएं में लटके मेरा, दशानंद रावण हूँ मैं। रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। लंकापति लंकेश, दशानंद रावण हूँ मैं। शिव भक्त कहते पूछे, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। पर्सनली जेंट मेरे, रावण रावण हूँ मैं। सबसे बड़ा ज्ञानी कहते, रावण रावण हूँ मैं। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। हट रावण, रावण हूँ मैं, दशानंद रावण हूँ मैं। दशानंद रावण दरबार में पधार रहे कौन कहता है रावण मर गया? ऐसी बातों से नहीं मैं डर गया, मैं आज भी जिंदा हूं। अपने किए पर नहीं शर्मिंदा हूं, मेरे वंशज आज भी जीते हैं और सीताओं का खून पीते हैं। बताओ मंत्रियों, कैसा चल रहा है राज्य मेरा? क्या सभी के मन में है दुख का बसेरा? बताओ काम। महाराज, आज की दुनिया में है मेरा साम्राज्य। कलयुग में सभी पहनते अपवित्रता का ताज। आज के मनुष्य का है यही कामकाज, मुझे स्वयं पर है नाज। हर मन में घुस गया हूं मैं गहरा, ना रहा आज के मनुष्य का
अपने ही मन पर पहरा। दिनों दिन भंग करता मैं सबकी प्योरिटी, बच्चे हो या बड़े सभी फील करते फुल इनसिक्योरिटी। अरे और तो सुनिए, सभी न्यूज़पेपर भी मुझे ही सिर पर चढ़ाते हैं, हर मूवी में मुझे ही मुख्य एक्टर बनाते हैं। वाह वाह काम वाह, तुमने तो भुला दिया राम का नाम। वाह, तुम बताओ क्रोध। महाराज मैं जलाता हूँ सब में क्रोध की आग, दस्ता हूँ बनके मैं जहरीला नाग। मेरा इंसानियत पे है गहरा प्रभाव, बिगाड़ दिया है मैंने सभी का स्वभाव। इंसानियत का कीड़ाकार मैं घर घर जाता हूँ, शक्तिशाली हूँ मैं इतना, मैं सब कुछ तहस नहस कर जाता हूँ। मैं जीते जी इंसान की चिता जलाता हूँ, उनको इंसान से हैवान बनाता हूँ। हाई बीपी शुगर जैसी फैलाता मैं बीमारियां, मेरी सफलता की है आप सभी को बधाइयां। वाह क्रोध वाह, जैसे ये दुनिया मेरा पुतला जलाती है, ऐसे ही तुम सबको क्रोध की आग में जलाते हो। वाह, तुम बताओ लोग तुम्हारा राज्य कैसा है। महाराज सारी दुनिया मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे वश होकर गलत को भी सही समझती है। आज का मनुष्य अज्ञान नींद में सोया, गाड़ी बंगला और प्रमोशन इसी में रहता खोया। इच्छाइयों का मुकुट पहन मैं जादू ऐसा करता हूँ, इंसानियत को मारकर मैं चोर पैदा करता हूँ। सारे जगत में फैला है छल कपट और धोखा, कितना भी कमा ले मनुष्य फिर भी रहता है भूखा। माँ में रही न ममता, ना ही पिता को पुत्र जमता, और मेरे कारण ही हर परिवार लालच में है रमता। वाह लो वाह, तुमने तो कर दिया सबको अंधा, अब करप्शन करना ही है उनका धंधा। तुम बताओ मोह। महाराज मैं देता विष को मोह का मीठा कीड़ा, धीरे से प्रवेश कर बढ़ा देता सबकी पीड़ा। माताओं पर है मेरा विशेष ध्यान, बच्चों के मुंह में वह रहती सदा परेशान। प्यार शब्द के पर्दे के पीछे जाकर मैं छुपता हूँ, दुख दर्द और आंसू के फिरवार मैं करता हूँ। उस खुदा की याद से सबका मुख मैंने मोड़ा है, माँ बाप बीवी बच्चा किसी को भी नहीं छोड़ा है। वाह, तुम तो सुख हरता दुख करता हो। वाह, तुम बताओ अहंकार। आज नाम है मेरा देह अभिमान, विश्व को देता मैं का दान। छीन ली है मैंने सबकी सुख शांति, फिला दी है विश्व में विकारों की क्रांति। नष्ट करना था मैपन की मकरी को, मूर्ख मनुष्य ने मार दिया भोली बकरी को। इंसानों में है मेरा विशेष ध्यान, सदा मांगते रहते नाम मान और शान। और बताऊं, भले योग अग्नि से नष्ट करते लोभ मोह और काम, परंतु दोस्तों इस विजय का भी उन्हें रहता अभिमान। वाह वाह अहंकार, तुम तो हो सबका श्रृंगार। वाह, तुम सबने तो मुझे बना दिया है सर्वव्यापी, चारों ओर फैला दी है मेरी ख्याति। दुनिया में बढ़ाओ विकारों का वार, यही है धारणा का आज का सार। ये रावण देता है तुमको ये वरदान, पूरी दुनिया में फैला दो विकारों का तूफान। महाराज रावण की जय, विकारों की जय। महाराज रावण की जय, विकारों की जय। महाराज रावण की जय, विकारों की। महाराज रावण की। मुर्दे को भी जिंदा करने वाले न्यूज चैनल आखिर कब तक पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप सोच रहे होंगे आज हम अपने स्टूडियो में इंटरव्यू के लिए किसे बुला रहे हैं। जी हां, आज हम उसे बुलाने वाले हैं जिसका कल आप सभी ने बड़े धूमधाम से अंतिम संस्कार किया है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, पधार रहे हैं स्वयं लंकापति रावण।
अंत नहीं। मृत्यु का स्वामी यमराज मेरी दया पर जीता है और इंद्र मेरे भय में। मैं हूं दशानन रावण। रावण जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बैठिए बैठिए। थैंक यू, बट रावण जी नहीं, कॉल मी रावण। बैठिए बैठिए। रावण जी, और बताइए आपका क्या हाल चाल है? मजे में हूँ, मेरा ही राज चल रहा है। और आपका परिवार कैसा है? मंदोदरी भाभी, कुंभकर्ण भैया, काका मेघनाथ कैसे हैं? सब मजे में हैं, अपना अपना राज संभालते हैं। मतलब सब जिंदा हैं। अरे रावण जी, आज आप अकेले अकेले आए हैं, आपके बाकी 9 सिर कहाँ गए? वे मेरे पूरे 10 सिर विकारों का प्रतीक है और मेरे पूरे विकार नर और नारी में प्रवेश कर गए, अब मुझे जरूरत नहीं है। रावण जी, इस समय पूरी दुनिया आपको अपने टीवी स्क्रीन पर देख रही है। सबके मन में एक ही प्रश्न है कि अगर हजारों वर्ष पहले स्वयं श्री राम ने आपका वध किया था तो आज आप जिंदा कैसे हैं? जवाब दीजिए मिस्टर रावण। सोचते हैं सदियों पहले राम ने मेरा वध किया, पर वो क्या जाने, उस दिन मैंने एक विचित्र सा जन्म लिया। स्थूल देह को छोड़कर मैंने मनुष्यों के मन में प्रवेश किया, सोने की लंका को छोड़कर पूरी सृष्टि पर राज किया। बैठिए मिस्टर राव, लेकिन एक बात बताइए कि दशहरा के दिन हर वर्ष आपको जलाया जाता है, आपके मरने की खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन आप मरते क्यों नहीं? क्योंकि मारा वो जाता है जिसे हराया जाता है, ना कि जिसके पुतले को जलाया जाता है। बैठा हूं सबके अंदर बनकर 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार। जिसे हराया जाता है, ना कि जिसके पुतले को जलाया जाता है। बैठा हूं सबके अंदर बनकर 5 विकार, फैला सारी दुनिया में हूं मैं कलयुग की पहचान। मन मन में बसा जो हूं मैं वो हैवान। कल फिर सबने मेरा पुतला और ऊंचा बनाया था, पल भर का आनंद अपने घर आंगन में मनाया था। पर मैं आज भी जिंदा हूं, लोगों की सोच पर शर्मिंदा हूं। मुझको नहीं, मेरे पुतले को जलाया था, मुझको तो अपने मन में छिपाकर मरने से बचाया था। ओ माय गॉड, कैन यू बिलीव दिस? रावण आज भी जिंदा है और हमारे ही अंदर बैठा है। रावण जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हमेशा से इस दुनिया पर आपका ही राज्य था, या जैसा शास्त्रों में गाया गया है, कभी ये दुनिया स्वर्ग भी थी? आओ सुनाऊं तुम्हें अपनी जन्म कहानी, कैसे लिया था मैंने ये जन्म सैतानी। मेरे आने से पहले स्वर्ग थी ये जमी, घर घर में थी खुशियां, नहीं थी कोई कमी। चलो चले उस युग में जब लिया था मैंने जन्म, देवों का छीना था मैंने सुख शांति और आनंद। चलो चले। चलिए।
आकर छोटा सा था तब मैं, विकारों सहित आया था, काम क्रोध के रूप में सबके अंदर घर बसाया था। आत्मा हो तुम ये सबको भुलाया था, शरीरों को देखना तब मैंने पहली बार सिखलाया था। बड़ा हुआ मैं, अपने राज्य का विस्तार किया, करके सबके मन को वश में राम को निकाल बाहर किया, विकारों को फैलाकर पूरी दुनिया में बुराई से अच्छाई का संहार किया। विश्वनायका राज्य राज्यपालका बेल बेल पोट्ल अग्नि पर्वताल करेका शक्ति शक्ति सूचिका युक्ति युक्ति पाचिका सहस्र सूर सागरालु ओक्कटैन कदलिका एकवीर सूर क्रूर कुमार निरंकुसंग दूकुतुन्न दानवेश्वरा तीर से न पूजा और पाठ से, आज भी जिंदा हूं बड़े रोब और ठाट से, पाला है सबने मुझको छिपा कर अपने मन में, लेकर आए ये सब दुख अपने जीवन में। तो ये थी मेरी जीवन कहानी, मेरी अपनी ही जुबानी, परंतु आज सर्वव्यापी हूं मैं, मन मन में मेरा वास है, चारों ओर फैला अज्ञान अंधेरा, कहीं नहीं ज्ञान प्रकाश है। बैठिए रावण जी, बड़ी ही दर्दनाक कहानी थी। रावण जी, ये तो आपका पास्ट और प्रेजेंट था, अब हम जानना चाहेंगे कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बूढ़ा हो गया हूं, लग गई है बीमारी। बीमारी ना, इसके बाद हाँ, उनका ज्यादा दिन नहीं चल पाऊंगा तो क्योंकि आ गई है ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमारी? हाँ, एक सीक्रेट बताऊं? सीक्रेट बताइए। उसमें से भी पश्चिम विहार A3 सेवा केंद्र के भाई बहनों से मुझे ज्यादा खतरा महसूस होता है। ये तो बड़ा कमाल, बताना नहीं किसी को। हाँ जी, हाँ जी, बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, मेरे चाय का टाइम हो गया है। हाँ जी, जरूर, मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू रावण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बुलाते रहेंगे? बिल्कुल, हम आते रहेंगे, परिवार सहित आइएगा। तो देखा आपने, एक ऐसा खुलासा जो पूरे विश्व को हिलाकर रख सकता है, रावण आज भी जिंदा है। इनफैक्ट ऐसे ही खुलासों के लिए आखिर कब तक न्यूज चैनल जाना जाता है, तो इसलिए एक और ऐसा खुलासा करने अब हम निमंत्रण दे रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ऐसी ही एक बहन को। आइए, आपका स्वागत। बहन जी, इस समय पूरी दुनिया आपको लाइव देख रही है। हम जानना चाहते हैं कि अभी अभी मिली खबरों के मुताबिक ये पता चला है कि रावण और कोई नहीं, हमारे ही अंदर के 5 विकार हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपकी संस्था
इसको कैसे हरा सकती है? जी हाँ, रावण को हराने की शक्ति है हमारे पास, क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा है हमारे साथ। परमपिता परमात्मा, क्या आप कहना चाहती हैं कि इस धरा पर भगवान पधार चुके हैं? बिल्कुल, परमपिता परमात्मा इस धरा पर पधार चुके हैं। बढ़ जाती है जब दुनिया में विकारों की बीमारी और अवतरित होते हैं परमपिता सुनकर हम सबकी पुकार। जी, लेकिन एक बात बताइए कि अगर भगवान इस धरती पर पधार चुके हैं तो वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देते? रूप है उनका ज्योतिर्बिंदु, शिव है उनका नाम, ब्रह्मा तन में होकर अवतरित देते हमें वो सच्ची गीता ज्ञान। ओ, लेकिन एक बात बताइए बहन जी, हमें पता चला है कि रावण और कोई नहीं हमारे ही अंदर के पांच विकार हैं, तो क्या आप बता सकती हैं कि भगवान इन पांच विकारों का नाश कैसे करते हैं? निराकार भगवान कहते हैं देवताएं कोई हिंसक युद्ध नहीं करते और ना ही रावण कोई 10 शिशों वाला 10 सिरों वाला कोई मनुष्य था। ये हमारे अंदर का रावण कोई स्थूल शस्त्रों से नहीं मरेगा, ये तो ज्ञान तलवार और योग अग्नि से जलेगा। ओ, ये राजयोग तो बड़ा आसान लगता है, क्या इससे रावण राज्य का विनाश होकर राम राज्य की स्थापना हो सकती है? बिल्कुल, अवगुणों को त्याग जब हम गुणों को अपनाएंगे, सच कहूँ उस दिन ही हम सच्ची दशहरा मनाएंगे, इंसान बनेंगे देवता, सुख और शांति आएगी और ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। स्वर्ग बन जाएगी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन घर गृहस्थ को छोड़कर समर्पित होकर ये योग और धारणा करना सहज लगता है, लेकिन क्या आज का आम आदमी जो आपको आज लाइव देख रहे हैं, क्या वो भी इस योग और ज्ञान से अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा कर सकते हैं? बिल्कुल, समर्पणता कोई तन की नहीं अपितु ये मन की प्रतिज्ञा है शिव से, और इसके विपरीत हमारे विपरीत आज लाखों मनुष्य अपने गृहस्थ में ही रहते हैं। जी। प्रतिदिन वो ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं, परमात्म से नाता जोड़कर जब अपने अंदर शक्ति भरते हैं तभी हम इन पांच विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। ये तो बहुत ही सहज राजयोग लगता है। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो देखा आपने कि कैसे इस सहज राजयोग से हम अपने अंदर के पांच विकारों का नाश कर सकते हैं। लेकिन ये ज्ञान तो बहुत सहज है, परंतु अनुभव से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसलिए आखिर कब तक न्यूज चैनल एक ऐसी महिला को आज आमंत्रित करता है जो घर गृहस्थ में रहती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, लेकिन इस आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करके दिव्य गुणों की धारणा करती हैं। ये महिला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में एक बहुत ही जिम्मेवार पोस्ट एडिशनल कमिश्नर के पद पर काम करती हैं। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं अलका जी को। अलका जी, आज हमने आपको आपका अनुभव जानने के लिए बुलाया। आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि एक घर गृहस्थ वाली महिला होते हुए भी आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर और इस राजयोग का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कैसे हुई? कई वर्षों से मैं ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानती थी, शिवानी बहन का प्रोग्राम भी टीवी पे देखा करती थी, पर कभी किसी ब्रह्मा कुमारी केंद्र में जाने का अवसर नहीं हुआ। कुछ वर्ष पहले 2013 में मेरे ऑफिस में एक भाई आए, उन्होंने माउंट आबू जो ब्रह्मा कुमारी का मुख्यालय है वहाँ पे एक प्रोग्राम के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में गई। विमेन एम्पावर जी, वहाँ का एटमॉस्फेयर पीसफुल, हैप्पीनेस, जो बहनों का अपार स्नेह हमारे प्रति था, स्वादिष्ट सात्विक भोजन
और सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासेस वहाँ होती थी। ब्रह्मा कुमारी के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हैं, वहाँ पे क्लासेस में हमें बहुत क्लैरिटी और लॉजिकल वे में उन भ्रांतियों का समाधान मिला। जी, तो जैसे कि आपने कहा और ये सच भी है कि इस संस्था के बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ फैली हैं। एक ऐसी भी भ्रांति है कि अगर हम आध्यात्मिकता को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारी जो फैमिली लाइफ है वो अफेक्ट होती है, हम जो टाइम देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते, और साथ साथ ऑफिस के, आप MCD में काम करती हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को भी, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप राजयोग के अभ्यास से कैसे हैंडल करती हैं? देखिए, आमतौर पर धारणा यही रहती है कि स्पिरिचुअलिटी हम तब अपनाएंगे या वहाँ जाएंगे जब हम अपने जीवन के सारे जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें, हमारे केस में जैसे रिटायर हो जाएं, जब हम बूढ़े हो जाएं। लेकिन वास्तव में होता क्या है कि हमारे जीवन में, गृहस्थ में, ऑफिस में इतने चैलेंजेस आते हैं कि आध्यात्मिकता की आवश्यकता सबसे ज़्यादा तभी पड़ती है, तभी हमें सही राह मिलती है और हमें डिसीजन सही लेने में मदद मिलती है। जैसा कि आपने बताया, मैं ज्ञान में चल रही हूँ, गृहस्थ जीवन में राजयोग को अपनाया है, मुझे टाइम मैनेजमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट महसूस हुई। टाइम मैनेज जी, जैसे कि मैं 8-9 घंटे के बाद ही ऑफिस से घर आती थी, मैं पहले कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं खाना स्वयं बनाऊं, लेकिन यहाँ आने के बाद टाइम मैनेजमेंट इतना इम्प्रूव हुआ क्योंकि मेडिटेशन हम सुबह करते हैं, टाइम ज़्यादा अवेलेबल रहता है, तो मैं स्वयं अब सात्विक भोजन घर पे ही बनाती हूँ और घर वालों का भी इसमें मुझे बहुत सहयोग मिलता है। दूसरी बात ऐसा है कि जब हम परिवार में रहते हैं, गृहस्थ जीवन जीते हैं, तो संस्कारों का टकराव तो आम बात है, इसलिए हमें लगता है कि जो व्यक्ति जैसा मेरे साथ बिहेव कर रहा है उसको हम रिटेलिएट करें, रिएक्ट करें। लेकिन यहाँ आने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हुआ कि हम सब अपना रोल प्ले कर रहे हैं, किसी का पार्ट दूसरे से मिलता नहीं है और मुझे रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपना रोल सही प्ले करने की आवश्यकता है। सही बात। तो ये करने से मुझ में एक्सेप्टेंस बढ़ गई, एक्सपेक्टेशंस कम हो गई, तो जीवन सहज हो गया। इसके अतिरिक्त चूंकि मैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग प्रतिदिन क्लास में जाती हूँ, परमपिता परमात्मा के महावाक्यों से पॉजिटिविटी बढ़ती है। जब पॉजिटिविटी हम इम्बाइब करते हैं तो रिजल्टेंटली नेगेटिविटी कम होती है, व्यर्थ संकल्प कम होते हैं और हमारे जीवन में सार्थकता आती है, समर्थता आती है, तो जीवन काफ़ी संतुष्ट महसूस होता है। वाह जी, आपका अनुभव लग के सुन के तो बहुत ही खुशी हुई और मैं आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस भी इसे जानकर बहुत ही लाभान्वित हुई होगी। आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत तो देखा आपने कि कैसे इस सहज राजयोग से हम अपने अंदर के 5 विकारों का नाश कर सकते हैं। आज हम आमंत्रित करते हैं ऐसी ही शिव शक्तियों को। दिल थाम कर बैठिए, आ रही हैं खुद शिव शक्तियां। परम पिता शिव के शिव शक्तियां आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई धरती पे, शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, नारी को निर्भर
कमल समझता भगवती जगदम्बिका दैवी शक्तियों के संग कालिका चंडिका रुद्र भूमि में डटी है भगवती जगदम्बिका।